पहली बात तो चोपड़ा शहर के जो गड्ढे हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये गड्ढों के लिए रिपेयरिंग का काम करना चाहिए नगर पालिका ने। ये बहुत सब प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। अभी बरसात का टाइम है, कई बाइक सड़क जाती है, कई लोग गिर जाते हैं। तो नगर पालिका से हमारा ये निवेदन है कि इस बात के ऊपर वो ऑब्जेक्शन ले और कुछ काम करे, वरना कहते हैं फ्यूचर के अंदर आने वाले टाइम में क्या करेंगे। न्यू जनरेशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये कॉलेज का रोड है और मेन रोड है, इसके ऊपर अगर ये बात पे कोई तवज्जो नहीं देगा तो कौन तवज्जो देगा नगर पालिका के अलावा। चोपड़े शहर के शहर में आने वाला मेन रास्ता है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मेन रोड के ऊपर तो बहुत सब दिक्कत है। ये सरकार को दिख रहा है लेकिन इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं रहा है। पब्लिक भी अंधी चले जा रही है बस इसी तरह। आवाज कोई उठा नहीं रहा, आवाज नहीं उठा रहे सर कोई, ये बारे में आवाज कोई नहीं उठा रहे हैं। आवाज उठाने वाले जो गरीब लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने के अंदर। बाइक से जाने वाले के लिए ठीक है लेकिन जो पैदल चल रहे हैं वो लोग किधर से आएंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे इधर। ये सब है, मेन रोड का है उल्टा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेन लाइन है। हेच करते हैं कि खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डा है, अशी कंडिशन होऊन गेली। गाडी चालवायची तर कशी चालवायची, त्याच्याने किती त्रास होतो लोकांना। हे गव्हर्नमेंटने प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, तसं लक्ष दिलं नाही तर लोकांना उलट पाठ दुखी कमर दुखी आजरा बळी पाहावं लागेल। अशी व्यवस्था चुकीची आहे, तरी शासनाने या गोष्टी काही लक्ष देऊन रस्त्याचं काम करायला पाहिजे। नगरपालिकेने लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, नगरपालिकेचं लक्ष द्यायलाच पाहिजे। नगरपालिका लक्ष दिला नाही तर कसं चालणार आहे, कारण गावातले रस्ते आहेत सगळे शासन डोळे लावून बसलेलं आहे, तेही वापरत त्या रस्त्यावर। त्यांनी लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, त्यांना समजतं नगराध्यक्षांचे घर आहे या रस्त्याला, नगरसेवक राहतात वापरतात, मेन बाजारपेठचा एरिया आहे, बस स्टँडच्या जवळचा रस्ता आहे। परंतु दुर्लक्ष होत आहे, दुर्लक्ष तर खूप होत आहे, त्याला मर्यादाच नाही एवढं दुर्लक्ष होत आहे। नागरिकांना वाहन चालवताना खूप त्रास व्हावा लागत होतो, नागरिकांना त्रास होतोय ना, वाहन चालवताना खूप त्रास होतोय नागरिकांना, समजत नाहीये। वाहन ठोकल्या जातात एकमेकांना, गड्डे वाचण्याच्या याच्यामध्ये भांडणं होतात रोजची।